वेलकम व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हमारे साथ रीता वाडवा जी हैं, जिनका हमने एक महीने पहले रिप्लेसमेंट कराया था और आप उनकी सारी प्रोग्रेस देखिए। गुड मॉर्निंग आंटी। कल आपने पहली बार यानी कि तीसरी बार स्टेज चढ़ी थी, लेकिन आपने सेकंड फ्लोर तक कल सीढ़ी चढ़ी थी जी। और मैं आपको छोड़ के चला गया था जी। और आप शाम को 8 बजे वापस आए जी। तो चढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। शाम को आप जो बता रहे हैं, एक बार व्यूअर्स को भी बता दें कि जब समझें कि क्या करना चाहिए अगर दर्द होता है तो सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद। सीढ़ी तो मैं बड़े आराम से चढ़ गई। जब फिर मैंने थोड़ी देर वहाँ रेस्ट किया, फिर मैं नीचे भी बड़ी धीरे धीरे आई। तो फिर आके थोड़ी उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम हुई, फिर मैंने पेन किलर खा लिया, सो गई। और आप आज एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोई फटीग, थकान कुछ नहीं? आज फिलहाल नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। सुबह था हल्का पेन, अब वो बेटर है पहले से। सो व्यूअर्स, जब इस तरह से पेशेंट को फटीग हो जाता है तो हम एक दिन का उनको रेस्ट देंगे। आज हम उनको एक्सरसाइज कराएंगे, स्ट्रेस थोड़ी सी कराएंगे, और कल हम आंटी की छुट्टी रखेंगे, जो हम यूजली 2 या 3 सेशन के बाद में एक छुट्टी कर देते हैं ताकि थकावट निकल जाए। ये सारी मूवमेंट्स एक्सरसाइज हमने धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली इनको सिखाई हैं, जिसमें वॉकिंग है, स्टेप क्लाइंबिंग है, नीज अप एंड डाउन है, लेग रेजेस हैं। आप इन सब वीडियोज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरह से ऑपरेशन के बाद आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। और आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट के क्या क्या फ़ायदा हैं ये भी आप देखिए। सर्जरी के बाद जब पेशेंट घर पे आता है तब हमको ज़्यादातर एक्सरसाइज बेड पे लेट के कराते हैं, जिसमें टांग उठाना, ऊपर नीचे करना, मोड़ना, घुटने मोड़ना, ये सारी एक्सरसाइजेज हैं। और जैसे ही 2-3 दिन निकलते हैं, पेशेंट को हम बेड से, बिस्तर से नीचे उतार के वॉक कराना चालू करते हैं। वॉकिंग तो फर्स्ट डे से ही ये चालू कर देते हैं, बट वॉक में क्या क्या पैटर्न्स हैं, किस तरह से चेंज करना है, पाँव पे वज़न कहाँ डालना है, पंजे पे चलना है, एड़ी पे चलना है, ये सारे प्रोग्रेशंस हम अगले 4 से 5 दिन में स्टार्ट कर देते हैं घर पर आने के बाद। थोड़ा सा वज़न और कम हो जाए आंटी, 2-4 किलो, 2-3 किलो तो कम हुआ ही होगा इस पीरियड में। नहीं, बढ़ गया है। अच्छा, तो हो ही रहा है। जैसे ही पेशेंट का बैलेंस बेटर होने लग जाता है, हम उनको सपोर्ट के साथ लेग रेजेस कराना चालू करते हैं ताकि हिप की मोबिलिटी भी इम्प्रूव हो। हिप जितना ज़्यादा चलेगा उतना ज़्यादा नी से प्रेशर कम होना चालू हो जाएगा। जब आर्थराइटिस से गुजर रहे थे तब हमारी नी की मोबिलिटी और हिप की मोबिलिटी दोनों ही काफ़ी कम हो जाती है, तो रिप्लेसमेंट के बाद हमें हिप को भी काफ़ी ज़्यादा चलाने की ज़रूरत होती है। हिप की मोबिलिटी इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप देख सकते हैं कि वज़न कभी हम राइट हिप पर डाल रहे हैं चलते समय, कभी लेफ़्ट पर डाल रहे हैं। इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, जिसको गेट ट्रेनिंग बोलते हैं, ताकि हिप से प्रेशर निकल के बैक पे जाए और साइड में थाइस पे जाए। ये सारी एक्सरसाइज बड़ी पेशेंटली करानी पड़ती हैं पेशेंट को, और उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देना पड़ता है, मॉरल सपोर्ट। उनका वॉकर उनसे दूर करना सर्जरी के बाद में, ये सारी चीज़ें बड़ी ही डिफ़िकल्टी के साथ होती हैं। आप जो एक्सरसाइज देख रहे हैं ये नी की मोबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए होती है। तो आप देखें कि धीरे धीरे कैसे ये प्रोग्रेस करती है और कितने कंफर्टेबली आने वाले टाइम में। एक्सीलेंट। और आपको एक सारी प्रैक्टिस करनी है डेली, सुबह शाम। देख रहे हैं कि स्टेयर क्लाइंबिंग इनिशियली कितनी डिफिकल्टी के साथ करते हैं। एक एक स्टेप बताना कि किस तरह से वेट डालना है, कौन सा पाँव आगे जाएगा, कौन सा पाँव नीचे आएगा, ये सारी चीज़ें पेशेंट को बताई जाती हैं। और स्टेयर क्लाइंबिंग के साथ ही पेशेंट का कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। पहले इन्होंने इनिशियली एक फ्लोर किया, फिर 2 दिन बाद दूसरा फ्लोर किया और 1 महीने के बाद ये 10 फ्लोर अप एंड डाउन बहुत कंफर्टेबली कर लेती है। चलेंगे ऊपर आंटी। ये वीडियो उस दिन किया जब इन्होंने फर्स्ट टाइम 2nd फ्लोर पर क्लाइंब किया और 2nd फ्लोर पर जाने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा फटीक हो गई थी, इस वजह से हमें उनको वहीं पर छोड़ के रहना पड़ा और ये शाम को आई। अब ये 10 फ्लोर बहुत कंफर्टेबली विदिन 5 मिनट्स कर लेती हैं। आंटी आज कितने दिन होंगे? 9 नहीं नहीं, सर्जरी को कितने दिन हो गए? सर्जरी 6 को करवाई थी, आज 20 दिन हो गए। 6 को कराई थी ना। एक्सरसाइज ये कर रही हैं स्टेप्स पे, काफ़ी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज होती है। ये करीब 10 बार एक पाँव को ऊपर नीचे ले जाना और 3 सेट करते हैं। इसकी वजह से टांग में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है, कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। ऑपरेशन हुआ था, आज है 29, तो आज 23 दिन हो गए हैं जी। 23 दिन बाद आप अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट फील कर रहे हो? पहले से तो बहुत ही अच्छा इम्प्रूव है मेरे में। हाँ, क्योंकि मेरे तो पेन हर दिन बहुत पेन रहती थी, अब वैसी पेन तो नहीं है। अब ऑपरेशन हुआ है, ऐसे तो थोड़ी बहुत तो रहेगी। हाँ। पर डे बाय डे इम्प्रूव किया। अच्छा, और कल से आज, आज से कल में। और आप कितने फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़ लेते हो? 2nd फ्लोर तक चढ़ लेते हो जी। और क्या आप कल या परसों गए थे 2nd फ्लोर? कल नहीं गई। हाँ, परसों गई। परसों गए थे। कल ऐसे ही अप डाउन किया जी। ठीक है आंटी स्माइल, आज आपको तकरीबन 25 दिन हो गए हैं सर्जरी के लिए। अब आप आज से आपने साइकिलिंग भी स्टार्ट कर दी है जी। तो कैसा आप फील कर रहे हो? लाइफ कितनी चेंज हो गई है? पहले से तो काफ़ी चेंज होगी मेरी लाइफ, मुझे लगता है। हाँ, अब मैं जी पाऊंगी अपनी। जी पाएंगे। पहले तो मैं बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी कि मेरी लाइफ बिल्कुल बेकार होगी, पर ऑपरेशन के बाद मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगी। तो ये सारे लोग जो बोलते हैं सर्जरी नहीं करानी चाहिए, नहीं, मैं तो गलती कर दी, टाइम डाल दिया इतना, पहले ही मुझे करा लेनी चाहिए थी। 1-2 साल पहले होता तो आज आप और बेटर होता है। आप देख सकते हैं कि वॉक में कितना सुधार आया है करीब 25 दिनों में। और एक्सरसाइज से सबसे ज़्यादा थकावट है ये जी, है ना? साइकिल आते ही सारी एक्सरसाइज उसके आगे फीकी हो गई हैं जी। तो मैं तो हमेशा से रिकमेंड करता था, आपको सर्जरी से पहले भी बोला था, और साइकिल से बेटर कोई एक्सरसाइज नहीं है। कंपेयर कर सकते हैं वीडियो के स्टार्टिंग से लेके अब में कि वॉकिंग कितना स्मूथ हो गया है, स्टेज पे एफर्टलेसली कर पा रही है। नहीं है, वापस आ जाओ, ऐसे ही वापस आना है। बहुत स्मूथ है।